नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। इग्नू की तरफ से अभी रीएवोल्यूशन के लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीएवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि आपका रीएवोल्यूशन का फॉर्म जल्दी अवेलेबल किया जाएगा, और वो फाइनली अवेलेबल कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पहले ही मैं बता दूं आपको कि रीएवोल्यूशन वही भर सकता है जिसका रिजल्ट दिसंबर का आ गया हो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका आपका रिजल्ट आ चुका है, आप उसे संतुष्ट नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मेरे और भी ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, आपको मिले हैं 40 नंबर, लेकिन आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने 60 नंबर का किया था, मैंने 70 नंबर का किया था और इसमें कुछ मिस्टेक है। तो आपके लिए रीएवोल्यूशन का फॉर्म काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर अपना डालना है। आप जानते हैं आपका इनरोलमेंट नंबर क्या होगा, प्रोग्राम कोड जो होता है आपका, प्रोग्राम कोड भी आप जानते होंगे, आपका जो भी प्रोग्राम कोड है यहाँ पर काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। अपना सही प्रोग्राम कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे ताकि आपकी डिटेल फुलफिल हो जाए, चाहे BSc हो, MAH हो, कोई भी हो, तो वो आपको डालना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर, ये तो एक ही है, रीएवोल्यूशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट भी आप मंगवा सकते हैं। कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जो आपने किया है, जो आपकी आंसर शीट है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप अपने पास मंगवा सकते हैं। आपको 100 रुपया देना पड़ता है एक आंसर शीट को मंगवाने के लिए, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा है, डियर लर्नर काइंडली अपलोड इग्नू आईडी कार्ड इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। अगर आपको आंसर शीट की फोटो कॉपी चाहिए तो आपको आईडी कार्ड भी अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप स्कैन कर दीजिए और यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट भी फैसिलेट विद स्कैंड कॉपी ऑफ हिज हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म और द फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट भी सेंड थ्रू पोस्ट, यानी कि आपके सेंड पोस्ट के जरिए बाय पोस्ट आपको आंसर शीट मिल सकती है, या फिर जो ईमेल आईडी अभी आप प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पर उसके जरिए भी आपको ये प्रोवाइड करवाई जा सकती है आंसर शीट, ठीक। अब आप इसमें भर दीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं कि अब आगे क्या दिया हुआ है। लेकर आया है अन अकेडमी कॉम्बैट, आपकी SSC एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट SSC एग्जाम का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। पार्टिसिपेट इन एवरी SSC कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप। हर SSC कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कीजिए और स्कॉलरशिप जीतिए। SSC कॉम्बैट कब होने वाला है अगला, एवरी संडे 12 PM, यानी कि हर संडे 12 बजे इसको किया जाता है। तो इसलिए आप SSC कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड चौहान वीडियोस का इस्तेमाल करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CHAUHANVIDEOS। तो चौहान वीडियोस कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इनरोल कोड चौहान वीडियोस का इस्तेमाल करके, मेरे रेफरल कोड चौहान वीडियोस का इस्तेमाल करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स क्रैक इट। जब आप अपनी डिटेल भर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पर आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, सारी डिटेल, आपका कोर्स कोड, ये सारी डिटेल वहाँ पर दी हुई होंगी। उसके बाद रिजल्ट एंड एग्जाम रिलेटेड डिटेल में कुछ नोट भी दिया हुआ है, रीएवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि रीएवोल्यूशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल इन कोर्स कोड के लिए, नहीं अप्लाई होगा, यानी कि इन कोर्स कोड के लिए आप रीएवोल्यूशन नहीं दे सकते, भर सकते। OMT 101, OSS 101, PCO 01, BSHF 101, FST 01, TS 01, TS 03, TS 06, TS 07, BEGE 103, PPCCHNBLIS एंड CLIS ऑल कोर्स, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखें कि इन सभी कोर्सेज के लिए आप रिएवल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी के लिए आप भर सकते हैं। आपने जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा उसका रिकॉर्ड यहां पर आपको नज़र आ जाएगा, और उसके बाद फिर अप्लाइड कोर्स डिटेल में आप देख पाएंगे कि उनमें से आप किस किस का रिएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, और फिर आपको फ़ीस जमा करवा देनी होगी, जितने भी यहाँ पर आपकी टोटल फ़ीस बनती होगी रिएवल्यूशन की। रिएवल्यूशन करवाना फ़ायदेमंद होता है अगर
अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं या आप अगर फेल हो गए हैं तो फिर तो निश्चित तौर पर करवाएं ही, और अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं तब भी आप रिएवोल्यूशन करवाएं, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी होती है कि अगर रिएवोल्यूशन हमने करवाया, हमारे 40 नंबर थे और उसके बाद 35 ही रह गए, रिएवोल्यूशन में सिर्फ 35 ही नंबर आए तो क्या होगा। तो ऐसा अगर हुआ भी है तो आपके पुराने नंबर ही कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि दोनों में रिएवोल्यूशन का रिजल्ट आने के बाद और उससे पहले में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें होंगे वही आपके रहते हैं, यानी कि 40 मार्क्स ही फिर आपके रहेंगे, ठीक। तो कम मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। उसके बाद रिएवोल्यूशन का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मली 30 डेज में आ जाता है, यानी कि जिस दिन आप भरेंगे उसके 30 दिन के अंदर आपको रिएवोल्यूशन का रिजल्ट मिल जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रिएवोल्यूशन को जरूर भरें अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो दिसंबर एग्जाम का। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।